सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक्नोलॉजी यानी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि GI डिजिटल आर्ट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बहुत सारे भाइयों का वीडियोस में कमेंट्स आता रहता है कि GI डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड करके दिखाइए और कैड मास्टर में एप्लीकेशन में आपको उसको चला करके दिखाइए। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इससे किस एप्लीकेशन की मदद से GI डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो और उसको कैसे कैड मास्टर एप्लीकेशन में चला सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ सीखने के लिए गाइस इस वीडियो में गाइस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने दिए तभी गाइस आप लोग डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड करके कैड मास्टर एप्लीकेशन में चला पाओगे। ठीक है, सो वीडियो में गाइस आप लोग अंत तक बने रहिए और चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार नए आ गए हो तो गाइस इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके अभी स्क्रैच ऑल पर सेट कर लीजिए क्योंकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन जैसे आप लोगों को मिलती रहेगी और वीडियोस को गाइस सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस GI डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गाइस आप अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ठीक है, और इसको ओपन कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में टाइप करना है PicPics। ठीक है, इसको टाइप करके गाइस आप लोगों को सर्च कर देना। ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग सर्च करोगे ये एप्लीकेशन दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को दोस्तों आप अपने फोन में इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, सो गाइस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद इस एप्लीकेशन को दोस्तों ओपन कर लेना। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसी में आप लोगों को कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। इस सेटिंग्स को दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कर लेना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल जाता है इमेज सर्च ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है और गाइस जिस साइज में आप इमेजेस को डाउनलोड करना चाहते हो, जिस साइज में आप लोग डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हो उसी साइज को दोस्तों आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो गाइस मैं सभी डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो गाइस मैं एनी साइज पर इसको रहने देता हूँ। इसके बाद गाइस सेकंड नंबर पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है एस्पेक्ट रेशियो ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको फर्स्ट नंबर पर इसको रहने देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर आप लोग देखने को मिल जाता है कलर इन द इमेज ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और जिस कलर में दोस्तों आप लोग डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हो ना उसी कलर को दोस्तों आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैं सभी कलर में डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो गाइस मैं एनी कलर पर इसको रहने देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फोर्थ नंबर पर देखने को मिल जाता है टाइप ऑफ इमेजेस का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सबसे नीचे देखने को मिल जाता है एनिमेटेड का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फाइव नंबर पर देखने को मिल जाता है फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, और जैसे ही गाइस इस पर क्लिक करेंगे इसमें भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर पर देखने को मिल जाता है GIF फाइल का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग ये सेटिंग्स नहीं करोगे तो कैसे आप लोग डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस सेटिंग्स को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने बैक चले लेना। ठीक है, और इसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है डीजे लाइट इफेक्ट। ठीक है, इसको टाइप करके दोस्तों आप लोगों को सर्च कर देना। ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग सर्च करोगे आपके सामने जितना भी डिजिटल आर्ट्स रहेंगे ना यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इस डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक शेप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ये जो डिजिटल आर्ट टेम्पलेट्स है चीज़ें आपके फोन में दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहो यहाँ से जितने भी डिजिटल आर्ट्स डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से दोस्तों आप लोग सभी डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके, तो जैसे कि मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जितने भी डिजिटल आर्ट्स दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ये सब गाइस GIF डिजिटल आर्ट्स है। ठीक है, इसमें से जो भी आप लोगों को डाउनलोड करना है सभी डिजिटल आर्ट्स के दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यदि आप दोस्तों इसमें अलग अलग कीवर्ड को टाइप करके सर्च करेंगे तो इसमें आप लोगों को अलग अलग डिजिटल आर्ट्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैं डिजिटल आर्ट टेम्पलेट्स को टाइप करके यहाँ पर सर्च कर दिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हो उससे रिलेटेड जो भी डिजिटल आर्ट्स है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए गाइस मैं डिजिटल आर्ट GIF को मैं कैन मास्टर एप्लीकेशन में ओपन करके प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, कि कैन मास्टर एप्लीकेशन में वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ से कैन मास्टर एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं कुछ इस रेशियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और गाइस मैं डिजिटल आर्ट्स को यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो ये जो भी डिजिटल आर्ट्स है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्ले हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं किसी एक टेम्पलेट्स पर इसको ऐड करके प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट्स को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसी टेम्पलेट्स को यहाँ पर ले लेता हूँ इसमें। और लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके मैं मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और जो भी मैंने अभी अभी डिजिटल आर्ट्स को डाउनलोड किया है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
अब गाइस इसको मैं प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वैसे आप लोग देख सकते हो ये जो डीजल है DIF है दोस्तों, ये कैन मास्टर एप्लीकेशन में वर्क कर रहा है, ठीक है। सो देखा आपने दोस्तों कितना सिंपल था कि डीजल एट DIF को डाउनलोड करके कैन मास्टर एप्लीकेशन में चलाना। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ गाइस शेयर कीजिए, और चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार नए आ गए हो तो गाइस इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही आइकन को प्रेस करके अभी गाइस ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।